been suffering from brain tumor, which is meningioma, which got detected back in 2014 and got operated once earlier, but they could only take out 35%. So once I consulted Dr. Sunil with my father. ये पेशेंट आई थी, एक यंग लेडी, वर्किंग लेडी थी, जिनका पहले एक ऑपरेशन ब्रेन का हो चुका था ट्यूमर का, लगभग 7-8 साल पहले, और उस समय पूरा निकाला नहीं जा पाया था। इस समय बहुत बड़ा ट्यूमर लेके आई थी, हेडेक था, चक्कर आते थे, इनको काम नहीं कर पाती थी। एक साल से ये घर पे बैठी थी। तो हमने पहले स्कैन्स देखे, फिर डिस्कशन हुआ पेशेंट से कि क्या एक्सपेक्टेशन है। He also mentioned that it will be a highly risky surgery, but we will take an attempt and we will take out the portion which is not risky, and when the risky portion will come, we will just see what possible actions can be taken and then we will move forward for radiotherapy. तो हमने पहले प्लान किया कि इनको ट्यूमर की जो खून की नसें सप्लाई करती हैं इसको चारों तरफ से, उनको पहले ब्लॉक किया जाए, एम्बोलाइजेशन कहते हैं इसको। एक बार एम्बोलाइज हो जाएगा तो ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ट्यूमर का निकालना इजी हो जाता है। डॉक्टर सुनील हैज़ गिवन मी द रिलायबिलिटी एंड ही हैज़ गिवन मी द ट्रस्ट that I can take a step forward with the surgery and move with it. तो ये सारी चीज़ों के लिए वो जो एग्री हुए, फिर हमने बात की इंटरवेंशन से, वहाँ पे डॉक्टर फड़के हैं, उनसे फिर डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने एक दिन इसको एम्बोलाइज किया एंड उसमें बताया कि उन्होंने कि पार्शियल एम्बोलाइजेशन ही हो सकता है, इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हमने ऑपरेशन के लिए काफ़ी ब्लड वगैरह का इंतज़ाम किया और सारे अरेंजमेंट के साथ में सर्जरी हुई थी। सक्सेसफुल डिकम्प्रेशन हो गया, अराउंड 60-70% ट्यूमर अच्छे से निकल गया। पेशेंट भी अगले दिन होश में आ गई थी। डिफ़िकल्ट सर्जरी थी, लगभग 14 घंटे ऑपरेशन चला था, तब जाके इतना ट्यूमर निकल पाया कि ये रेडिएशन के लिए फिट हो सके।